क्या आपको पता है मैं नाच क्यों रहा हूँ? क्योंकि वन पीस की स्टोरी अभी करेंटली चार अलग अलग जगहों पे अडेप्ट हो रही है या फिर चालू है। पहले तो है वन पीस की ओरिजिनल मांगा जो 1998 में स्टार्ट हुई थी, दूसरा है वन पीस का ओरिजिनल एनिमे जो हमने सबने देखा है, तीसरा है वन पीस का एनिमे का रीमेक जो विट स्टूडियो और नेटफ्लिक्स दोनों मिलकर बना रहे हैं, और चौथा है वन पीस का लाइव एक्शन। और उसी लाइव एक्शन के सीजन 2 के बारे में हमें बहुत सारी डिटेल्स पता लगी है और उसी के बारे में मैं आपको आने वाले 2-4 मिनट में बताने वाला हूँ। सीजन 2 ऑफिशियली रिलीज होने वाला 2025 में, और उसी के साथ हमें बहुत सारी अपडेट्स भी मिली है, लाइक कौन से कास्ट मेंबर कौन से रोल्स करने वाले हैं और कौन से नेक्स्ट आर्क्स सीजन 2 में अडैप्ट होने वाले हैं। जब इस लाइव एक्शन का सीजन 1 रिलीज हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग इसको हेट दे रहे थे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जैसे ही मैंने पहले 2-4 एपिसोड्स देख लिए, आई बिकेम ए फैन ऑफ इट। सीजन 2 की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है साउथ अफ्रीका के केप टाउन में, और वो लोकेशन एग्जैक्टली सिलेक्ट करने के लिए कोई ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जिसके अंदर वन पीस की सारी शूटिंग हो सकती है। रिसेंटली एचिरो ओडा की तरफ से हमें ये एक ऑफिशियल रिटर्न पोस्ट भी देखने को मिलती है, जो कि मैं पूरी की पूरी नहीं पढ़ने वाला बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज बुल। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जाननी चाहिए। पहली तो है कि सीजन 2 की शूटिंग अच्छी तरह से चल रही है, और दूसरी चीज है कौन से आर्क इसमें अडेप्ट होने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गेट लॉस्ट टाउन आर्क, रिवर्स माउंटेन आर्क, विस्की पीक, लिटिल आइलैंड और ड्रम आइलैंड। सीजन 2 जब से अनाउंस हुआ है, तब से बहुत सारे लोग चॉपर के कैरेक्टर को लेकर बहुत परेशान है। कुछ लोगों को लग रहा है कि चॉपर का कैरेक्टर पूरा सीजीआई होगा, और कुछ लोगों को लग रहा है कि वो एक एक्टर होगा जिसको थोड़ा सा सीजीआई में ट्वीक कर देंगे। आइदर वे, जो भी नेटफ्लिक्स डिसीजन लेगा उसके साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन चॉपर एग्जैक्टली इन दो ऑप्शन में से क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें एक छोटा सा हिंट मिला है जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं सीजन 2 में आने वाले कास्ट मेंबर्स के बारे में। ऑफ कोर्स हमारे जो 5 मेन कैरेक्टर्स है, लूफी, नामी, ज़ोरो, सांजी एंड उसोप्पू, वो वही कांस्टेंट रहने वाले हैं। बट एज वी ऑल नो, ग्रैंड लाइन इज ह्यूज एंड देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन इट। सो अलग अलग कास्ट मेंबर्स के भी नाम रिवील हुए हैं, जिनके नाम आपने और मैंने दोनों ने जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन इस सारे कास्ट मेंबर्स में मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में पर्सनली बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर इंडियन अमेरिकन है। पहली तो है मिस वेनसडे की एक्टर चरित्र चंद्रन, एंड दूसरा एक्टर है सेंधिल रामामूर्ति एज नेफितारी कोबरा। और ये 2 छोड़ के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स रिवील हुए हैं, जिनके फोटोज मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सो अभी पहले मैंने जो चॉपर के हिंट के बारे में बात की थी, उसके बारे में बोलते हैं। इन कास्ट मेंबर्स में आपको ड्रम आइलैंड के, यानी कि चॉपर के आइलैंड के 2 कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज डॉक्टर कुरेहा एंड सेकंड वन इज डॉक्टर हेरलॉक। सो अगर लॉजिकली देखा जाए तो इन 2 कैरेक्टर्स के साथ चॉपर का भी कास्ट मेंबर रिवील होना चाहिए था, इफ देयर इज गोइंग टू बी एन एक्टर प्लेइंग द रोल, और वो एक्टर अभी तक रिवील नहीं हुआ है, व्हिच प्रोबेबली मींस दैट चॉपर इज गोइंग टू बी फुल सीजीआई। क्या आपको लगता है चॉपर एज अ सीजीआई अच्छा लगेगा या फिर एज अ ह्यूमन? उसी के साथ हमें लीक्स के थ्रू ये भी इंफॉर्मेशन पता लगी है कि सीजन 2 में बहुत सारा सीजीआई यूज होने वाला है एज कम्पेयर टू सीजन 1। बिकॉज सीजन 1 में जैसे आपको पता है हम ईस्ट ब्लू सागा में ही थे, वहां पर जो सेट्स थे वो क्रिएट करना पॉसिबल था। लेकिन अभी जो आने वाले आर्क्स है, लाइक ट्विन के पार्क और ड्रम आइलैंड आर्क, उसमें जो चीजें हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं, वो रियल लाइफ में रिक्रिएट करना इतना आसान नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी ऑल सीजीआई, व्हिच पर्सनली आई डोंट हैव एनी इशू विद बिकॉज द सीजन 1 सीजीआई वाज फैंटास्टिक। क्या आपको याद है जब वन पीस का लाइव एक्शन सबसे पहले अनाउंस हुआ था और उसका ट्रेलर रिलीज किया गया था, तब कितने सारे लोग इस ट्रेलर को देख के हेट दे रहे थे? बट जैसे ही ये सीरीज रिलीज हुई, सारे हेटर्स फैंस में कन्वर्ट हो गए, और अभी वही हेटर्स सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लाइव एक्शन बना के दिखाया है कि इट हैज सेट अ न्यू बेंचमार्क। अभी इस क्वालिटी के नीचे कोई भी लाइव एक्शन नहीं रिलीज होना चाहिए, लाइक डेथ नोट लाइव एक्शन और अटैक ऑन टाइटन लाइव एक्शन। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, वन पीस की मांगा भी फाइनल आर्क में एंटर हो चुकी है, यानी कि एल्बाफ आर्क में। और इस आने वाले आर्क में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट ही इज गोइंग टू प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सीरीज। वो कैरेक्टर कौन है और एग्जैक्टली उसका रोल आने वाले सीरीज में क्या होने वाला है, उसका लूफी से कनेक्शन क्या है, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बोली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि इट हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज दैट मोस्ट ऑफ यू गाइज आर मिसिंग आउट ऑन। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता देना कि कैसी लगी ये वीडियो, और आपके पास भी और कोई इंफॉर्मेशन है सीजन 2 के बारे में तो वो भी लिख देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सायोनारा।